वो जो चनों की खुराक थी बनाई हुई, उसमें उनको मैंने कूट के गोलियां बना ली हैं। और क्योंकि अगर मैं पानी में दूँ तो ये बैठ जाएगी। कबूतर अगर आपका हाजमा करना शुरू हो गए हैं तो उनको आप चनों की खुराक इस अंदाज़ में दें, और अगर नहीं हाजमा कर रहे प्रॉपर तो आप चने उबाल के काले मिर्च और नमक डाल के दे सकते हैं, या आप बिरयानी बना के वो दे सकते हैं। फिर वो दें जब तक कि उनका हाजमे प्रॉपर नहीं हो जाते। इसे मैंने चीज़ ऐडअप कर दी है, इनको जो है कैल्शियम की बहुत इन्हें ज़रूरत थी, कैल्शियम मैंने ऐडअप कर दिया है। कैल्शियम के साथ विटामिन D3 ऐडअप किया है इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, और इसमें विटामिन सी भी है। ये विटामिन सी और विटामिन K2 है। ये कैल्शियम और विटामिन डी को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उनकी अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और इसके साथ बीच में मैग्नीशियम और जिंक है। मैग्नीशियम और जिंक जो है ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, पट्ठों के लिए सही होता है, और इनकी जो रिक्वायरमेंट है इम्यूनिटी की अगेंस्ट डिजीज़ फाइट वो बढ़ाता है। जिंक जो है मैदे के लिए भी अच्छा होता है। तो ये टेबलेट एक मैंने बीच में डाली है, कूट के मिक्स कर दी है, और ये कबूतरों को दूंगा। और कबूतर जो है 9 कबूतर हैं तो उनको उस हिसाब से दे दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जजाकल्ला।